चलिए तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर है इसमें? तो ये रहा हम लोग के पास एक्टिविटी वेस्ट कॉस्टिंग। तो हम लोग देखने वाले एक्टिविटी वेस्ट कॉस्टिंग। तो चलिए आ जाते हैं चैप्टर में। तो देखिए हम लोग को इस चैप्टर में एक बार सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, इसमें हम लोग को सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर यूजफुलनेस, उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट हायरार्की पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को स्टेप यहाँ पे पढ़ना है। तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो हम लोग थ्योरी पार्ट कम डिस्कस करेंगे और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है उसे हम लोग मेनली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता था। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको पढ़ के हम लोग एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को वैसे बताने वाला हूँ। तो देखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ अकाउंटिंग मेथोलॉजी दैट असाइन कॉस्ट टू एक्टिविटी रैदर देन द प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो देखिए ये जो हम लोग के पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो कॉस्ट जो है, देखिए इसमें असाइन किया जाता है कॉस्ट को टू द एक्टिविटी और ना कि यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस में। तो देखिए जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है या सर्विस है उसमें हम लोग कॉस्ट को नहीं, उसमें कॉस्ट को हम लोग ट्रांसफर ना करके हम लोग किस जो एक्टिविटी होगा, जो भी एक्टिविटी यहाँ पे होगा उसमें हम लोग असाइन यहाँ पे करने वाला है। जैसे हम लोग सम्स करेंगे तो आप लोग को उस टाइम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपली समझ लीजिए प्रोडक्ट और सर्विस में हम लोग कॉस्ट को असाइन नहीं करते, हम लोग सिंपली कहाँ पे करते हैं, तो जो भी एक्टिविटी होता है उसमें हम लोग कॉस्ट को असाइन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिर मीनिंग में, यहाँ पे एक्टिविटी का क्या हो गया, फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फिर कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया। तो ये सब आप लोग खुद से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बस मैं यहाँ पे आप लोग को कॉस्ट ड्राइवर समझा देता हूँ। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया कि हम लोग जो भी यहाँ पे एक्सपेंसेस होने वाला है, जो भी यहाँ पे कॉस्ट होने वाला है उसे हम लोग किस ड्राइवर के थ्रू बांटने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट आएगा तो उसे हम लोग किस ड्राइवर के ड्राइवर में हम लोग बांटेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ रिसर्च हो जाएगा, मतलब जितना नंबर ऑफ रिसर्च प्रोडक्ट प्रोजेक्ट का किया जाएगा वो हो गया, या पर्सनल आवर आवर हो जाएगा जो प्रोडक्ट प्रोजेक्ट का हो जाएगा उसमें हम लोग यहाँ पे बांटने वाले हैं। तो देखिए पहला क्या क्या समझे आप लोग, ये देखिए कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या हो गया कि हम लोग किस में जो कॉस्ट होगा उसे हम लोग किस ड्राइवर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग के पास आ गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग क्या समझे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर कॉस्ट आता है तो उसे हम लोग किस बेसिस में बांटेंगे। तो अगर हम लोग के पास दे रखा हुआ नंबर ऑफ रिसर्च दे रखा होगा तो हम लोग नंबर ऑफ रिसर्च में उसे बांट देंगे, या अगर नंबर ऑफ रिसर्च अगर सम्स में नहीं दे रखा होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे पर्सनल आवर ऑन अ प्रोजेक्ट, मतलब जो भी पर्सनल आवर होगा किसी प्रोजेक्ट का उसमें हम लोग यहाँ पे बांटने वाले हैं। फिर जब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं या प्रोसीजर दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास यहाँ पे डिजाइन अगर किसी चीज़ का आ रहा है तो उसे हम लोग किस बेसिस में बांटेंगे। तो अगर हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ नंबर ऑफ डिजाइन तो उस बेसिस में हम लोग बांट देंगे। फिर नंबर ऑफ पार्ट्स दे रखा हुआ है पर प्रोडक्ट का, हम लोग देखिए पर प्रोडक्ट के बेसिस पे उसका अगर पार्ट दे रखा हुआ पार्ट तो उस बेसिस में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे उसे बांट देंगे, या नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर दे रखा होगा उसके भी बेसिस में हम लोग इसे बांट सकते हैं। एक बार देख डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो देखिए डिजाइन अगर किसी प्रोजेक्ट का हम लोग डिजाइन कर रहे हैं या सर्विसेज का डिजाइन कर रहे हैं या प्रोसीजर का हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, मतलब किस तरह से एक प्रोजेक्ट को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो उसे हम लोग किस बेसिस पे बांटेंगे। तो हम लोग के पास कितना डिजाइन हुआ है, देखिए टोटल अगर मान के रखे हैं यहाँ पे कि टोटल डिजाइन का यहाँ पे कॉस्ट जो पड़ रहा है वो कितना, तो ये पड़ रहा है हम लोग के पास 10,000, ठीक है। और इस 10,000 हम लोग के पास टोटल डिजाइन का कॉस्ट पड़ा, और इस 10,000 में जो हम लोग डिजाइन नंबर ऑफ डिजाइन यहाँ पे डेवलप कर पाए वो कितना हम लोग कर पाए, तो यहाँ पे 1,000। तो एक डिजाइन का हम लोग का कितना हो जाएगा कॉस्ट, तो 10 रुपीज करके। तो हम लोग इसी बेसिस में यहाँ पे बांटने वाले हैं, तो वही चीज हम लोग के पास दे रखा हुआ है। फिर देखिए जो नेक्स्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ है क्या चीज, तो हम लोग के पास कस्टमर सर्विस, तो कस्टमर सर्विस को हम लोग किस बेसिस में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सर्विस कॉल, मतलब कितना सर्विस कॉल आ गया। देखिए कस्टमर सर्विस है, कस्टमर मतलब जो कॉल हम लोग करेगा तो उसके बेसिस पे हम लोग कस्टमर सर्विस को बांट सकते हैं, या कितना जो प्रोडक्ट है उसे सर्विस किया गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितना होगा उसे सर्विस कितना प्रोडक्ट हो किया गया उस बेसिस पे भी हम लोग इसके कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। फिर हम लोग के पास कितना आवर स्पेंड किया गया सर्विसिंग प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका सर्विसिंग करने में कितना आवर यहाँ पे स्पेंड किया गया उसके भी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे बांट सकते हैं। तो ये हम लोग के पास हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास क्या जाएगा, तो यहाँ पे मार्केटिंग, तो मार्केटिंग को किस बेसिस पे हम लोग बांटेंगे, तो नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे हम लोग बांट सकते हैं, या नंबर ऑफ सेल पर्सनल के बेसिस पे हम लोग बांट सकते हैं, या सेल्स रेवेन्यू के बेसिस पे हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। मतलब जो भी मार्केटिंग एक्सपेंस होगा उसे नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट या सेल्स पर्सनल या सेल्स रेवेन्यू, इस तीनों में से जो भी दे रखा होगा उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, उसके कॉस्ट को बांट देंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग किस बेसिस पे बांटेंगे, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया,
या कितना नंबर ऑफ कस्टमर है, तो उसी को तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसके कॉस्ट को क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो ये अभी तक हम लोग यहाँ पे देखें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे कॉस्ट होगा उससे हम लोग एक्टिविटी में बांटते हैं, ना कि प्रोडक्ट या सर्विस में। तो ये आप लोग को पहले समझ में आ गया। और दूसरा यहाँ पे हम लोग समझे थे कि कॉस्ट ड्राइवर क्या होता था, तो कॉस्ट ड्राइवर जिस ड्राइवर के थ्रू हम लोग कॉस्ट को सेग्रीगेट करने वाले, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। और कॉस्ट ड्राइवर में हम लोग देख लेते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को किस बेसिस पे बांटेंगे, तो नंबर ऑफ रिसर्च के बेसिस पे बांटेंगे, या पर्सनल आवर दे रखा हो तो उसके बेसिस पे। फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखे थे कुछ ड्राइवर और कुछ कॉस्ट देखे थे, और उसका कुछ हम लोग ड्राइवर देखे थे, और ये सब सम्स में हम लोग को नॉर्मली दे रखा होता है। अगर नहीं दे रखा होगा तो हम लोग इस बेसिस पे इसे बांटने वाले। तो ये आप लोग को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो ये हो गया अभी तक में एग्जाम में, एग्जाम के व्यू पॉइंट से अभी नहीं ये सब था, जो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो एग्जाम के व्यू पॉइंट से होगा, जो मतलब जो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये सब एग्जाम व्यू पॉइंट से होगा, तो उससे हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसमें आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, जब हम लोग इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल ये सब स्टार्ट करेंगे तब समझ में आना चाहिए। अब देखिए एक चीज यहाँ पे और भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और यहाँ पे जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, उस दोनों में यहाँ पे डिफरेंस दे रखा हुआ है। या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो मतलब ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है वो क्या होता है, प्लस में एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है, तो वो मैं आप लोग यहाँ पे बता देने वाला हूँ। तो देखिए जो कॉस्ट का असर्टेनमेंट होता है, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि एबीसी कॉस्टिंग में क्या होगा, कि जो भी एक्टिविटी होगा उसमें हम लोग कॉस्ट को बांटने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या हो गया, ट्रेडिशनल वाला वाइज जो ओवरहेड एक तरह से बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट लेबर के आवर के हिसाब से बांटते थे, या डायरेक्ट लेबर आवर हो गया या फैक्ट्री आवर के हिसाब से हम लोग बांटते थे, वो हो गया हम लोग के पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या ओवरहेड वाला। और जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, इसमें हम लोग जो भी कॉस्ट का ड्राइवर होगा उसे हम लोग एक्टिविटी बेस्ड में बांटने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जो कॉस्ट हम लोग एसर्टेन करते हैं उसमें हम लोग के पास दो तरह का कॉस्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है हम लोग के पास क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो हो गया तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, उसे एट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बांट देते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है उसका हम लोग एलोकेशन करते हैं, जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम लोग किस तरह से इसका एलोकेशन करते थे, तो देखिए बेस्ड ऑन मशीन आवर हम लोग के पास दे रखा होता था, उसके बेसिस पे हम लोग बांटते थे, या लेबर आवर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते थे,